भाई गया तो बड़ा ट्रॉली लाने के लिए, सबसे बड़ा ट्रॉली उठा के लिए। अब हम लोग एम्बैरेसमेंट लग रहा है कि हम कैसे स्ट्रॉली से आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज घर में मन रहा इडली, मम्मी बना रही है। इसका रेसिपी हम ऑलरेडी अपने चैनल पर डाले तो हम वापस नहीं डालेंगे, और ऑलरेडी बन चुका है ये घुगनी। इसका मूंग दाल का घुगनी बन गया। मूंग गोटा स्प्राउट जो होता है ना उसका घुगनी बना, दाल का नहीं, दाल का घुगनी नहीं बनता, दाल का दाल बनता। और ये आगे सूजी, दही और इनो जिसका बनेगा इडली। रवा इडली ना हम लोग के घर में सबका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है बहुत ज्यादा। और ये रहा बादाम, बादाम का चटनी इडली के साथ सबसे बेस्ट है, इसका फेवरेट। मेरा फोन ना इतना बेकार, मतलब पता नहीं क्या हो गया, इतना गुस्सा था, इसलिए मन करता है कि हमको ना अपना फोन हम फेंक दे। फिर याद आता है कि मेरे पास एक ही यही फोन है, दिमाग खराब कर देता। अभी ना पूरा रिकॉर्ड हो गया था, फिर पता नहीं क्या अचानक से BSNL का कोई नोटिफिकेशन आता है और पूरा कट गया मेरा। हम ये वाटरमेलन का आइस मास्क बना रहे थे, इतना प्यार से हम रिकॉर्ड किया था सारा, इसमें सारा निकाल लिए हम। ये रहा एक प्लेट में, अब जा रहे हैं इसको हम ग्राइंड करने के लिए। इतना अच्छा अच्छा फनी फनी बात हम उसमें कर रहे थे ना, और सारा हट गया मेरा, बहुत गुस्सा था बहुत ज़्यादा। इसको जा रहे हैं ग्राइंड करेंगे और फिर इसमें डाल के फ्रीज कर देंगे और फिर शाम में इसको यूज़ करेंगे। पानी भी मिला है क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ वाटरमेलन है, पूरा चट चट करेगा ना, और उतना ज्यादा वाटरमेलन होगा नहीं। बने तैयारी कर ली है, सांभर का ये काट ली, बैंगन भिंडी और जो जो डलता है वो सब कट जाएगा, और आज सांभर भी बनाएंगे क्योंकि सांभर बहुत दिन से, जब भी मतलब मम्मी इडली बनाते हैं तो हम लोग सांभर नहीं बनाते, चटनी के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, आज सांभर बना रहे हैं। और ये डाल रहे हैं फ्रीज़र में, इसको ना शाम में निकालेंगे या कल निकालेंगे, तो अच्छे से पूरा ये डीप फ्रीज हो जाएगा। अभी आई एम ऑल फ्रेश, हम जा रहे हैं श्रीमद् भगवद् गीता पढ़ने के लिए, और इडली बन गया नाश्ते में, दिखाते हैं बहुत सही दिख रहा है, बचा हुआ तब ना क्योंकि हम लोग यहाँ बनते जाते हैं इडली और हम खाते जाते हैं, बट बचा हुआ है, यहाँ बन गया और चढ़ा हुआ है। और हम जा रहे हैं जल्दी से श्रीमद् भगवद् गीता पढ़ लेते हैं। गीता अब हम पढ़ खा रहे हैं, ये ना ऐसे बिना चटनी वगैरह के भी ना इडली बहुत टेस्टी लगता है। दिस इज द प्रॉपर इडली, सांबर चटनी, विदाउट इडली देयर इज नो चटनी, विदाउट चटनी देयर इज नो इडली। ये लगाना बहुत फेमस चल रहा है। जैसे सिंपल दिखा कि नाम को देखिए बहुत टेस्टी लग रहा था, इसलिए हम भी ऐसे कर लिए, पूरा ऐसे खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, पता है वो भी ऐसे हाथ से तो साउथ इंडियन में खाता है। वाह डिलीशियस, जीरो ऑयल। हम
हम जा रहे हैं मिंट का शरबत बनाने के लिए। कल हम लेके आए थे ये, कल नहीं परसों लेके आए थे मिंट, मिंट मतलब पुदीना जिसका शरबत बनाया जाए, तो उसके लिए चाहिए मिंट, लेमन और कला। जो बना रहे ना मिंट जूस, उसका रेसिपी हम डालेंगे अपने चैनल पे एज अ शॉर्ट्स, तो गो वॉच दैट। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, ये ना थोड़ा थोड़ा ना ये गन्ना का जूस जैसा लगता है, तो यू कैन ट्राई दैट, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है पीने में। हेल्दी तो होता ही है, बिकॉज तो हेल्दी वो हर चीज़ होता है जो घर में बनता है। घर में बनने का हेल्दी इसलिए कहते हैं ना कि वो साफ़ पानी यूज़ करते हैं, साफ़ बर्तन यूज़ करते हैं, अच्छे तरीके से बनाते हैं और धो के बनाते हैं, तो वो हेल्दी ही हुआ। थोड़ा बहुत ग्लूकोज तो जाएगा ही नहीं, मतलब चीनी वगैरह तो होगा ही, बट स्टिल हेल्दी कॉज इट क्लीन। सो आई एम गोइंग टू मेक मिल्क जूस ना, अच्छा ना करें प्लास्टिक के ऊपर से, तो इसको ज़्यादातर हम धो लेते हैं। एंड आगे का जो रेसिपी है यू कैन वॉच दैट ऑन माई शॉर्ट्स। इतना टेस्टी लग रहा है ना, आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो, पता है बहुत सही दिन है, एकदम रिफ्रेशिंग और इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। रेडी, हम जा रहे हैं घर का सामान लाने के लिए मॉल। एंड आज हम ऐसे अपना बाल बनाए, हमको बहुत सुंदर लग रहा है अपना ये बाल, पता नहीं अच्छे लग रहे नहीं, बट हमको बहुत सुंदर लग रहा है। सो हम और भाई जा रहे हैं, मेरा भाई इतना इतना खच्चड़ मस्त है, खच्चड़ वो है एकदम वाइट जूता पहने थे, चढ़ गया उसके ऊपर ना बदमाश में, बोलता याद करो तुम भी बार चढ़ी थी और बाल मेरा मिट्टी पीछे, बाल करो मिट्टी पीछे, और बोलता आने ना भीड़ वहाँ पे चिल्ला के बोलेंगे कि तुम इतना सारा पाउडर लगाई है। अच्छा बताओ हम पांडा लग रहे क्या? इतना क्यूट इतना सुंदर पांडा नहीं होता सुन, सेल्फ ऑब्सेस्ड, इट्स मी, आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड ही इज डूइंग काम काज। भाई साहब बहुत धूप है यार, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं इसलिए हम ज्यादा वीडियो बनाने वाले हैं। भाई ट्रॉली लेने के लिए मिली नहीं है, बड़ा ट्रॉली छोटा ही, भाई गया था बड़ा ट्रॉली लाने के लिए, सबसे बड़ा ट्रॉली उठा के लिए। अब हम लोग को एम्बैरेसमेंट लग रहा है कि हम लोग कैसे ट्रॉली में सामान, हम जा रहे दूसरा नॉर्मल साइज वाला ट्रॉली लाने, नॉर्मल साइज वाला नहीं थोड़ा छोटा है, बट ये बहुत बड़ा, ये ना ये वाला ट्रॉली जिसमें ये लोग शॉपकीपर लोग नहीं रखते, इतना एम्बैरेसमेंट लग रहा है ना। मिल गया आखिरकार, ये है मीडियम साइज, मतलब ये जो बड़ा हम लोग को चाहिए था। हम लोग यहाँ से अंशु के ले रहे पनीर सैंडविच, वो बेचारी को पनीर सैंडविच बहुत खाने मन करता था लेकिन पनीर सैंडविच में पनीर ही नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे अच्छा दिखा तो ये ले रहे हैं, ये लिए अभी भाई खाएगा और हम भी थोड़ा खाएंगे, हम थोड़ा सा खा ली तो होट पे लगाए। ये 20 का कोल्ड ड्रिंक है भाई, इतना बड़ा सा, अच्छा लगता है कोई जीरो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। ये ला मेरा हॉट डॉग और ये सैंडविच अंशु को, और हम लोग आगे बहुत ज़्यादा थक गए, हम चेंज करके जैसे हाथ धो के खाने के लिए बैठ गए, इतना ज़्यादा थक गए, इतना ज़्यादा ना क्या। ये हम लोग के घर का राशन, और ये अलग से एक राशन है जो कि इस लड़की और इस लड़के का है, दोनों भी खा भी रहे, ये अलग, सॉरी ये भी आई एम हैविंग खीर। ये जो खीर है ना ये मेरा फ्रेंड देके गया है, उसके पास टिफिन था मेरा जिसमें कुछ बना के शायद दिए थे कभी। What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be, and you know.